क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले क्रिकेट की एक्सक्लूसिव खबरें। भारत और न्यूजीलैंड 11 के बीच हैमिल्टन में प्रैक्टिस मैच ड्रॉ हो गया। इस मैच की पहली पारी में भारतीय बल्लेबाजी ढह गई थी, लेकिन दूसरी पारी में भारतीय बल्लेबाजों ने शानदार बैटिंग की और ऋषभ पंत ने तो लंबे समय बाद मिले मौके को जबरदस्त तरीके से भुना लिया। पंत ने बेहतरीन बैटिंग की और तूफानी अंदाज में 70 रन की पारी खेली, जिसके बाद टेस्ट टीम में पंत की जगह पक्की हो गई है। तो आपको दिखाते हैं ऋषभ पंत की वो पारी। आप भी ऋषभ पंत को टेस्ट टीम में चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। न्यूजीलैंड 11 के खिलाफ दूसरी पारी में भारतीय ओपनर्स ने शानदार शुरुआत दी थी, जिसके बाद विराट कोहली ने अन्य बल्लेबाजों को भी आजमाया। हालांकि तीसरे नंबर पर आए शुभमन गिल एक बार फिर फ्लॉप रहे, लेकिन चौथे नंबर पर भेजे गए ऋषभ पंत ने कमाल का प्रदर्शन किया। पंत ने आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया, बस कुछ देर संभल कर खेले और फिर बिल्कुल T20 के अंदाज में बेखौफ बैटिंग की। पंत ने सबसे पहले जिमी निशाम को अपना निशाना बनाया और निशाम को 2 चौके मार दिए। इसके बाद तो पंत को पंख लग गए। इसके बाद ऋषभ पंत ने ईश सोडी की 2 लगातार गेंदों पर 2 लगातार छक्के मार दिए, जिसमें दूसरा वाला तो स्टैंड्स के पार भी चला गया। अब तो पंत का अंदाज निखर चुका था और पंत की आंखें भी जम चुकी थी, और इसके बाद ऋषभ पंत का शिकार स्कॉट कुगलिन बने। पंत ने कुगलिन को पहले चौका मारा और फिर छक्का उड़ा दिया, और इसके बाद कूपर की 2 गेंदों पर लगातार ऋषभ पंत ने एक बार फिर से 2 लगातार छक्के उड़ा दिए। ऋषभ पंत ने शानदार बल्लेबाजी की और 70 रन की पारी खेली, जिसमें 4 चौके तो 4 छक्के भी शामिल थे। और ऋषभ पंत की इसी पारी की बदौलत टीम मैनेजमेंट ने साफ कर दिया है कि ऋषभ पंत को पहले टेस्ट मैच में खेलने का मौका दिया जाएगा और रिद्धिमान साहा टीम से बाहर बैठेंगे। तो कुल मिलाकर ये 70 रन ऋषभ पंत के लिए संजीवनी साबित हुए हैं। तो आपका क्या मानना है, ऋषभ पंत और रिद्धिमान साहा में से किसे टेस्ट टीम में बतौर विकेट कीपर जगह मिलनी चाहिए? कमेंट जरूर करें। फिल्म मीडिया रिपोर्ट।